खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। गुर्जरों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। नई सरकार के आते ही गुर्जर आरक्षण के लिए फिर सक्रिय हो गए हैं। गुर्जरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनावों से पहले सरकार समाज को 5% आरक्षण दे। इसके अलावा गुर्जर आंदोलन के मुखिया किरोड़ सिंह बैसला ने पहली बार गुर्जरों के साथ साथ गाड़िया लोहार की सुध लेने की भी गुहार लगाई। गुर्जरों ने आरक्षण के साथ साथ गाड़िया लोहारों को विधानसभा में प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने ये साफ कर दिया कि गाड़िया लोहारों को भी सरकार नौकरी और रोजगार दे, क्योंकि गाड़िया लोहार की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिलता है। गाड़ी लोहारों पर कर्नल किरोड़ सिंह बैसला ने स्पष्ट किया कि यदि लोहारों को भी रोजगार के साथ साथ नौकरी के अवसर दिए जाएं। बैसला ने कहा, जब किसानों का कर्ज माफ हो सकता है तो गाड़ी लोहारों के एक घर में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती। अगर आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जॉब्स के कई रास्ते खुलेंगे ही, बल्कि अगर आप जॉब ना करना चाहें तो कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। किरोड़ी बैसला ने 5% आरक्षण को लेकर भी साफ कर दिया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में गुर्जरों को आरक्षण देने की बात कही थी, जिसके बाद में अब सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण दे, नहीं तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं गुर्जर नेता शैलेंद्र सिंह ने न्याय सेवा में 1% आरक्षण को लेकर सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि लगातार गुर्जरों की मांग चल रही थी कि न्यायिक सेवा में आरक्षण मिले, जिसको लेकर सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण दिया। खैर, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। उन्होंने ये भी कहा कि गुर्जरों को मिलने वाली देवनारायण योजना की स्थिति को भी सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि अभी तक इस योजना का लाभ समाज के छात्र छात्राओं को नहीं मिला है। राजस्थान में नई सरकार के आते एक बार फिर से गुर्जर एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। 11 साल से आरक्षण आंदोलन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और फिर से गुर्जरों ने हुंकार भर ली है। अब देखना ही होगा कि गुर्जरों की सरकार में कब मुलाकात होती है। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।